हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद संपूर्ण एंड माया। कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आज ब्लैक साड़ी में मैं ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आप लोगों के साथ आज थोड़ी मैं मटन बनाऊंगी, वो थोड़ी शेयर करूंगी। तो मेरे ब्लॉग को देखते रहो, मैं क्या क्या करती हूँ और ये ब्लैक साड़ी में मुझे कैसे लग रहा है मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। और चलो मैं मेरा काम शुरू करती हूँ, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहो, मैं क्या क्या करती हूँ सब दिखाऊंगी आप लोगों को। तो मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो एक लाइक करके देखना और चैनल को जो न्यू फ्रेंड है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो चलो लेट स्टार्ट। मैं क्या क्या करती हूँ आप लोग देखो, और ये मेरा साड़ी देखो, मैं ये साड़ी पहन के आज मटन बनाऊंगी। तो मेरे साथ रहो और देखते रहो। मैं अभी देखो मटन का आलू छील रही हूँ, आलू प्याज छील लूँगी, मटन बनाऊँगी। मैं छुरी से नहीं काट सकती पोटैटो को, इसलिए मैं बैठ के ही क्या बोलूँ, कटर से मैं काट रही हूँ। तो देखो आज तो बहुत लेट हो गया, मेरा सुबह का खाना पकाना हो गया, लेकिन मैं ये रात को खाऊंगी मटन, इसलिए मैं अभी 12:30 बज रहा है, अभी मैं ये मटन को बनाऊंगी, ये रात को खाऊंगी रोटी और मटन। अभी मेरा जो खाना हुआ वो है मछली दाल सब्जी बना लिया मैंने। तो मेरा देखो ज़्यादा पोटैटो नहीं डालती मैं मटन में, इसलिए मैं 3 पोटैटो ले लिया, ये काट कर मैं दे दूँगी। देखो मटन को मैंने पहले धो के रखी थी, अभी प्याज भुना हो गया, अभी मैं मटन को दे रही हूँ। ये मटन में पहले प्याज के साथ कस लूँगी, फिर मसाला डालूँगी। हम लोग ऐसे ही करते हैं। आज मेरे पास क्या बोलूँ, दही नहीं था, इसलिए मैंने मटन में दही नहीं दिया, प्लेन ही कर रही हूँ। और लास्ट में मैं जरा मटन में घी डाल दूँगी। और मैं तो हर टाइम ये पेस्ट हाथ के सामने रखती हूँ, जब भी मेरा मन नहीं करता तो मैं पेस्ट अलग से पेस्ट नहीं करती, ये पेस्ट मैं डाल देती हूँ। मगर आज मैं पेस्ट बनाऊँगी, सूखी मिर्च लहसुन प्याज अदरक सब देकर मैं एक पेस्ट बनाऊंगी। तो वो भी थोड़ा सा डालूंगी, डाल के मैं मेरा अभी देखो मटन को रेडी कर रही हूँ। मेरे साथ रहो और देखो, देखते रहो। और क्या बोलूँ, मेरा तो हर टाइम सुबह से लेकर 1 बजे तक किचन रूम में कट जाता है, ये तो हाउसवाइफ का काम ही है, किचन में हर टाइम कट जाना, और तो कुछ काम ही नहीं, हर टाइम किचन, हर टाइम किचन। अभी देखो मेरा मटन तो हो गया और मैं मेरा बेड को ज़रा क्लीन कर रही हूँ। सुबह में मैं बेड को क्लीन कर ही रखा था और मेरी बेटी मेरे हस्बैंड निकल गया, फिर भी क्या बोलूँ,
हर जगह कपड़ा ये बिखरा हुआ पड़ा रहता है। बार बार इसको हटाती हूँ, फिर भी मेरा क्या बोलूँ, हर टाइम कपड़ा सब कुछ बेड के ऊपर रहता है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार ही बेड को साफ़ करती हूँ, और देखो मेरा अभी बेड साफ़ हो गया। अभी मैं थोड़ा घर का भी काम है, मैं मेरा शोकेस को भी ज़रा क्लीन करूँगी, करके मैं क्या बोलूँ, मेरा काम ख़त्म होगा। और देखो हर टाइम ये क्या बोलूँ, काम करते करते ही दिन गुजर जाता है। तो देखो मैं कैसे मेरा सब कुछ नाइटी वाइटी को मैं पाट कर करके और एक रूम है वहाँ रखूँगी। ये मैं धूप से उठाया उठा उठा के मैं बेड पे रखी थी, फिर मैं ये सब पाट कर रही हूँ। और अच्छे से पाट करके मैं सब ये मैं रख दूँगी, अलना में रख दूँगी। देखो अभी मेरा बेड क्लीन हो गया। और एक दुपट्टा था, ये डालकर मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ। ये भी मैं क्या बोलूँ, अलग से रख रही हूँ। शॉर्ट्स के समय मेरा ये दुपट्टा लगता है। और ये जो मेरा ड्रेसिंग टेबल है, ये ड्रेसिंग टेबल में हर कुछ रहता है, क्या बोलूँ, लिपस्टिक वगैरह, बॉडी स्प्रे, पाउडर, सब कुछ रहता है। ये रोज़ मैं उतारती हूँ, इसको साफ़ करती हूँ, फिर रखती हूँ इसके ऊपर। तो देखो हाँ, कैसे मैं साफ करती हूँ ये सब। हेलो गाइस, मेरा मटन कंप्लीट हो गया। मैं अभी नहाने जाऊंगी और मेरा सब खाना उना पकाना हो गया। तो आज का वीडियो यहीं तक एंड करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मिलेंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और मेरे साथ जुड़े रहना। मैं और भी वीडियो लेकर आप लोगों के सामने आऊँगी। मैं थोड़ा थोड़ा हिंदी बोल सकती हूँ, इसलिए मुझे खूब क्या बोलूँ, तकलीफ हो रहा है, तो सीख जाऊँगी। ओके, तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताना। टाटा बाय, आई लव यू ऑल।